थर्ड डे ऑफ मम्मीज रिकवरी, इनफैक्ट सेकेंड डे की रिकवरी का, थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन। सो निक जा रहे हैं सामान लेके सारा, सुबह सुबह तो रोज रात को हम लोग आते हैं, फिर सुबह सामान लेके जाते हैं। फिलहाल तो हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं आज रिक्वेस्ट देने, क्योंकि आज काफ़ी कुछ होना है, सारा वो निकाल देगी डॉक्टर आज। सो आज तो डॉक्टर सारा जो भी पेन के लिए इंजेक्शन वगैरह के लिए दिया हुआ था नीडल्स अंदर बॉडी में है, वो सारा निकाल देगी, क्योंकि रिकवरी फास्ट है तो डॉक्टर को भी लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं देर तक रखने का बॉडी में। तो कल बोला था वैसे, आज देखने के बाद ही बताएगी, लेट्स सी क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली तो निकल जाना चाहिए, पर उससे क्या है कि थोड़ा पेन रहेगा मम्मी को। उससे दरवाजे से मांडी अपने कैमरे पर, तो उसकी वजह से थोड़ा तो पेन हो सकता है आज, हो तो देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, सूप वगैरह बना के ले लिया है, बीटरूट सूप खुशी ने बनाया था तो उठा लिया, चलते हैं फटाक से। मस्त मौसम को रखा बैंगलोर का, आप देख रहे हो इस समय सुबह के कितने 7:45 बजे, देख रहे हो 7:45 बजे, धूप नहीं है, हल्की हल्की बारिश है और काफ़ी अच्छा मौसम रखा है, अभी एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है, मज़ा आ रहा है इस समय अभी बाहर निकलने का। ये ड्राइव पे जाने का मौसम है लाल, एक बात मम्मी एक बार ठीक हो गया तो चलेंगे ड्राइव पर भी इस मौसम में, इसको इंजॉय करते हुए। चलिए, मैंने मोबाइल जुड़ गया था लेने आया था, अभी चलते हैं मम्मी से बातें करते हैं, वीक हो गई है अभी। अभी क्या ना, तो एकदम मेजर ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से दो लीटर लिक्विड टाइप पर है, बिल्कुल सॉलिड तो कुछ जाने नहीं दिया डॉक्टर ने, बैड रीजन्स। तो अभी थोड़ा वीकनेस फील करें, आज थोड़ा वीकनेस हो रहा है, देख रहा है चेहरे पर, दिखाता हूँ। मम्मी का मॉर्निंग वॉक हो गया आज, मम्मी अपने से वॉक करके आएगी, और ये मम्मी अपना ड्रेस चेंज करके आ रही है, नाइटी चेंज करके। यूरिन बैग मम्मी का हट चुका है, थोड़ी देर बैठेंगे। गाइस, दिस इज शिवकांति अक्का, शी टेक्स केयर ऑफ मम्मी, यहाँ पर सारा जो भी क्लीनिंग का, बेड का, हाइजीन सबका ध्यान रखती हैं, एंड शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छे से अपना सब चीज़ का ख्याल रखती हैं और बिल्कुल प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन करके रखती हैं यहाँ पर। अक्का, यू वांट टू से हाय, शाही हो रही है, हमारे घर बिना क्या ही कर सकते हैं। ऑपरेशन करा के कौन हंसता है, कर रही है मम्मी, कहते हैं काज होना। मम्मी के लिए वॉश करने के लिए आया था, देखो पूरा शावर खुल गया, वो सला पता नहीं चला किधर तो शावर है किधर तो नल है, ऊपर का शावर खुल गया और मैं नहा गया दोबारा ठंडे पानी से। अरे बाबा वही इन्हें के बाद से खाता हूँ, अच्छे टाइम पर याद आ गया, बंद कर दिया तुरंत। मम्मी का घंटा खाना इतने दिनों के बाद सॉलिड खाना, खाया नहीं जा रहा है। अजीब ही हुआ, मम्मी को सुलाते सुलाते खुद ही सो गया, अभी तो पहले सो के उठा हूँ।
एक घंटे सोया तो सवा आठ दस सोए हो। चलो अब लंच स्किप कर लिया। बैंगलोर की बारिश, सारा बारिश हो रही है, लेकिन आपको क्या बताऊं? फिलहाल तो घर भागना मुझे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि मम्मी का छोटे बस्ती में पैसा, पूरा मिस कर रखा है और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो मम्मी का ऑक्सीजन लेवल था ना, वो अचानक से गिर गया। और क्यों गिरा ये तो पता नहीं, लेकिन आज डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन पर रखा हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। देयर वाज नो रीजन व्हाई इट शुड हैव गॉन डाउन, बट हमें लगा कि मम्मी उठ नहीं रही है, बहुत देर तक सो रही है। एंड पता नहीं, देखा तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मेरे डॉग चेक किया तो 16 ईयर था। डॉक्टर ने तुरंत मम्मी ऑक्सीजन दिया है, तो देखते हैं। और मम्मी को ना कुछ, जब से वो सॉलिड फूड वाली बात शुरू हुई है, मम्मी को हजम ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो हजम तो हो रहा है, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी पे की जाने रहा है। फिर उन्होंने जो खाना दिया था उसमें थोड़ा स्पाइस था, स्टेज में स्पाइस रहता था भाई, तो वो सब प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत तो है। बट एनी वेज अभी मौसी आ गई हैं, तो मौसी हम देखते बनाया, खुशी और मौसी ने मिलकर घर पर छुट्टी वगैरह बनाया है, तो अभी जा रहा हूँ उन लोगों को पिक करके। बहुत मैम खिचड़ी भी लेता होगा, मम्मी खा पी लें और बढ़िया हो जाए। भाई गॉड, क्या मूसलाधार बारिश हो रही है एकदम, मैं अब आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, हाँ आज के भागते भगाते आया बिल्कुल, मान ले क्या है कुछ। तेज रेनफॉल, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आज तो जाने के लिए कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, तो ये देखो चले गए। बारिश लेके आया कौन मुंबई से? आज मौसी आई है बैंगलोर मुंबई से बात के। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी को देखने, बिगर गया था मौसी को लेके आया, खाना पीना पैक हो गया है, कोई और भी आया है पैक हो के आई है अभी। तो अभी मिलेगी मम्मी से, देखते मम्मी की तबीयत कैसी है, छोड़ के कैसे, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन था, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। अभी तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है फिलहाल। गाइस 11 o'clock इन द नाइट, 11:30 हो रही है, अभी वो निकल रहे हैं हॉस्पिटल से घर के लिए। सो अभी घर चलेंगे और जी आराम करेंगे। देखना गिरन मम्मी को यहाँ ड्रॉप कर दिया, मौसी और आकांक्षा दोनों रुक गई यहाँ पर, हम लोग सब वापस, बाकी लोग वापस जा रहे हैं। गले गिलन जो बैंड बजी हुई है आज, आज सुबह से स्टेप से खा रहा हूँ, बीच में खांसी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी ठीक हो जा रहा है, कभी फिर से हो जा रहा है, कभी ठीक हो रहा है फिर से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बड़ी मेज आज सबसे लिया, दिन भर थोड़ा काम है, अभी चाय गर्म कर रहा हूँ, चाय बचा हुआ था उसकी तरफ करके पी लूँगा, उसी चक्कर में। तो फ्रेंड्स
बहुत हेक्टिक दे रहा है आज का, बहुत सारा काम रहा आज। चाय की चुस्कियों के साथ आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि कैसा रहा दिन, क्या हुआ दिन भर का अपडेट्स। सुबह अच्छी हुई क्योंकि सुबह मम्मी आराम से बैठी हुई थी और सबसे बातें कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है और चीज़ें संवर रही हैं। और फिर डॉक्टर ने आके आज सुबह मम्मी का यूरिन वगैरह पाउच वगैरह सब निकाल दिया था और जो इनको पेन किलर देने के लिए जो स्पाइन कॉर्ड में एक दो जगह इंजेक्शन इंजेक्ट किया हुआ था वो हटा दिया। तो उम्मीद कर रहा था कि शायद उससे पेन बढ़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जिसके मुझे बहुत खुशी थी कि मम्मी का वो हट भी गया और पेन नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसके लिए पेन किलर दे दिया था ऑरली, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो दैट वॉज अ गुड थिंग अबाउट टुडेज मॉर्निंग। दोपहर तक मम्मी को बोला गया कि 10 बजे तक आप इसको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, अभी शुरुआत करिए आप, मतलब लिक्विड डाइट के बजाय आप सॉलिड डाइट दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट च्यूएबल फूड दीजिए। तो हमने उसमें इडली ऑर्डर किया और इडली दिया मम्मी को। मम्मी ने दो में से एक ही इडली खाया और मेरा कोई बात नहीं, पहली बार इतने लॉन्ग टाइम के बाद आप समझ जाओ मम्मी के संडे से बंद है, मतलब सॉरी डाइट लिक्विड डाइट तो संडे से है, तो संडे मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को मॉर्निंग में खानी, तो 3 दिन के बाद तो लगेगा ही यार, तो नहीं खा पा रही थी। उसके बाद हमने मम्मी को फिर दोपहर में भी कोशिश किया कि कुछ खिला दें, पर मम्मी का वो खाते नहीं बन रहा था। तो हमने जो हॉस्पिटल में खाना दिया था, चावल दाल रसम और एक सब्ज़ी थी, बट मम्मी खा नहीं पा रही थी, तो थोड़ा बहुत हमने उसको खिला के, तो कोई बात नहीं आप देख लो, अगर नहीं खा पा रहे हो तो जूसेस तो लेते रहो। ORS का जूस हमने रखा हुआ था तो वो देते जा रहे थे, जिससे मतलब बॉडी में ताकत नहीं, देखो क्या है ना ऐसी सिचुएशन में बॉडी में ताकत बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप एनर्जी वाला कुछ कुछ ट्रिक देते रहो, जिससे बॉडी में ताकत आती रहे, है ना। तो हमने इसी लिहाज से मम्मी को देना शुरू किया ORS का घोल, जिससे मम्मी पीते रही और मम्मी को काफ़ी वो हिम्मत आती रही, तो एटलीस्ट उनको ताकत थी। उसके बाद मम्मी को डिजीनेस फील हो रहा था क्योंकि एंटीबायोटिक चलना शुरू हो गया था, एंटीबायोटिक दे दिया था डॉक्टर ने, नर्सेस ने, मतलब डॉक्टर ने क्या ही दिया, डॉक्टर कह रहे हैं नर्स ने दिया होगा, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके बाद मम्मी को ना नींद आने लगी एंटीबायोटिक में, कुछ नींद का तो होता ही है फैक्टर। अब मम्मी जब सोई तो डॉक्टर ने कहा था कि उनको आज दिन भर रेगुलरली एक्सरसाइज कराते रहना। सुबह उन्होंने काफ़ी वॉक किया, काफ़ी एक्सरसाइज किया, जो कि बहुत ही हेल्दी साइन था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ ना, जब वो सो के उठी दोपहर के बाद ना, तो उनका थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रहा था। हमने देखा मम्मी मूवमेंट कम हो गया, थोड़ा डिजीनेस फील कर रही है। तो पहले तो हमें लगा कि शायद एंटीबायोटिक असर हो, इसलिए हो भी हो सकता है, बट काफ़ी देर के बाद ना हमें ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मम्मी जिस तरह से कल तक रिस्पॉन्ड कर रही थी, आज सुबह तक रिस्पॉन्ड कर रही थी, दोपहर तक रिस्पॉन्ड कर रही थी, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था हमें। सो वी आर इन रियल डाउट। अच्छा, इसी दौरान में मौसी भी आ गई थी, तो मौसी को भी एयरपोर्ट से टैक्सी करवा दिया था, मौसी अब तक आ रही थी। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हमने ऑक्सीमीटर से मम्मी का लेना शुरू किया मेट्रिक्स, तो पता लगा कि ऑक्सीजन मीटर दिखा रहा है 67। नॉर्मल ह्यूमन में होना चाहिए अबव 90 होना चाहिए, जैसे नॉर्मल माना आता 95-100, बट 90 उससे ऊपर होना चाहिए, ऑक्सीमीटर शुरू 90। आपको याद होगा कोरोना टाइम में भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है, जब सेकंड में आया था ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीमीटर बहुत कम दिखा रहा था लोगों का, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी बॉडी के अंदर, है ना। आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो उसको पकड़ लेता है ऑक्सीमीटर, तो वही होना शुरू हुआ। अब हमें दिमाग खराब हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ चीज चेंज नहीं किया रूटीन। तो मैंने तुरंत अलार्म रेज किया डॉक्टर को, डॉक्टर दौड़ी हुई आई, डॉक्टर ने चेक किया, सबने देखा, तो बोला कि यार ये कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स गिव हर ऑक्सीजन। तो तुरंत ऑक्सीजन का सप्लाई देना शुरू किया कर दिया गया, और काफ़ी देर तक हमने ऑक्सीजन दे रहा, तो बढ़ते बढ़ते वापस से 92, 93, 95, 97 तक आया, 98 तक भी था, बोला कि ठीक है। फिर डॉक्टर ने बोला कि लगातार इतना हाई ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो हमें धीरे धीरे ऑक्सीजन की वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आई थिंक 4 मिलीलीटर ऑक्सीजन तक पहुंच गए थे, फिर हमने उसको धीरे धीरे करके 2 मिनट रख लिया, जैसे मम्मी फिर भी स्टेबल लग रही थी, क्योंकि 1 घंटे के बाद ना थोड़ा स्टेबल होने लगा था। इनफैक्ट 2-3 घंटे के बाद मम्मी 2 मिलीलीटर पर स्टेबलाइज हो गई थी, कि 2 मिलीलीटर ऑक्सीजन मिलने पर उनका 95-96 के आसपास था।
इसी दौरान मैंने अलार्म रेज किया कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। अब सबके अलग अलग वर्शन हैं, डॉक्टर के भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन आपका ब्लड बहुत गिर जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो वो भी एक फैक्टर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एनेस्थीसिया का असर भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहने कि कोरोना टाइम में जिन पेशेंट्स को कोरोना हुआ था उनमें ये सिम्टम्स देखी जाती है, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दोज पेशेंट्स। अब तीनों ही केसेस में क्या है ना, अब हमें तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है और ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपके साथ पेशेंट के साथ होता है वो पैनिक कह जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो भी एल्डर्स हैं वो पैनिक कह रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश किया कि वहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा काम करके इसको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल किया जाए। तो फिर डॉक्टर्स ने भी मम्मी का ब्लड सैंपल्स लिया और सारे सैंपल्स का यूरिन कल्चर भी लिया, सैंपल भी ब्लड सैंपल्स भी लिया और उनको भेज दिया टेस्ट के लिए। अभी तक सैंपल का रिपोर्ट नहीं आया है, मैंने निकलने से पहले डॉक्टर से बात की, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, शायद सुबह रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कुछ है कि नहीं उधर। बट ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन क्योंकि लोगों का कहना है कि ये सब होता है, एक तो कोरोना का साइड इफेक्ट है प्लस ज़्यादा ब्लड गिरने का चाहे निश्चा का असर भी होता है। एनीवेज उसके बाद भी हमने, अब मम्मी को क्या है लगातार वो ऑक्सीजन मास्क लगे होने से इरिटेशन हो रहा था और उनको हेडेक बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन मास्क निकाल के उनकी उनको तेल मालिश वगैरह कर रहे थे हम लोग, जब सर दबा रहे थे तो ऑक्सीजन गिर रहा था, और जब ऑक्सीजन मास्क लगा रहे कुछ देर के बाद उनको वो होता सफोकेशन होने लगता था, उनको नहीं मैं आप इरिटेट हो रही मुझे अलग करो इससे। तो बहुत सोच समझ के हम लोग डॉक्टर से डिस्कस किया, तो रात को उन्होंने दो एक नली यहाँ पर लगा दी है जिससे ऑक्सीजन अंदर जा भी रहा है और प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है इससे, और मम्मी आराम से अभी सोई हुई है। और ऑक्सीमीटर का जो लेवल है ऑक्सीजन का, हमने 1.5 मिलीलीटर अभी तक सेट करके रखा हुआ है जिससे वो आराम से सो रही है। डॉक्टर ने नर्सेस ने कहा है कि धीरे धीरे वो उसको कम करके देखेंगे, मॉनिटरिंग मशीन ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ है और धीरे धीरे वो कम करके देखेंगे कि अगर एक मिलीलीटर पर वो स्टेबल हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट एंड दैट इज़ अ नॉर्मल सिनेरियो। इनके पहले डॉक्टर से भी बात किया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये ऐसा होता है सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, बट देन यस वी हैव टू कीप एन आई ऑन द पेशेंट एंड बी वॉचफुल अबाउट द सिचुएशन, वी कांट जस्ट इग्नोर दैट। तो देखते हैं, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि डैडी भी कन्विंस नहीं थे, जब तक डॉक्टर्स ने फाइनली उनसे बात करके बोला नहीं और मौसी भी कन्विंस नहीं थी, सब डरे हुए थे। आकांक्षा वॉज ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल, खुशी वॉज ऑल्सो नॉट वेरी काम की नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो खैर नहीं, अभी डॉक्टर ने बोला है तो देखेंगे। रात पर मैंने बोला है कि अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं बता दूंगा। एंड डॉक्टर को भी, एक डॉक्टर एडिंग डॉक्टर है, वही सेम डॉक्टर है, शुड बी देयर ओवरनाइट, सो विल सी अगर कुछ ऐसा होता है तो विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बट ये स्ट्रेंज था क्योंकि कल तक ऐसा कोई सिम्टम नहीं था, ये अचानक से आज जो ऑपरेशन हुए परसों हो चुका है, परसों के बाद से लेकर आज दोपहर तक ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था, कोई भी स्नेरियो नहीं था, बट ये पता नहीं क्यों अचानक से आज आया। बट एनीवेज वी विल कीप इट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड सी हाउ टू डील विद इट। तो दैट वाज अबाउट इट गाइस। तो चलिए, अगर आप तो यहाँ तक जुड़े हैं और आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा तो क्या ही लगेगा आपको, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। बट फिल स्टिल आई नो यू आर यू ऑल्सो डोंट वांट टू सी सच पेन इन योर फैमिली, और अपने आप मुझे भी इस तरह के पेन में लेना चाहते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं किया सकते हैं, जैसे है वैसे ही हैं। सो एनीवेज फ्रेंड्स, अंटिल वी मीट टुमारो, एज ऑलवेज सेड, वर्क हार्ड फॉर योर पैशन बिकॉज देन योर ड्रीम्स विल फॉलो यू। जय हिंद, सी यू टुमारो, गुड नाइट।